नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता, योर एसएसटी टीचर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कल भी हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली थी और आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा है कॉलोनियल रूल। जब भारत आजाद हुआ था उस समय की भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आता है, ये आजाद किससे हुआ था, आजाद क्यों हुआ था, यानी हमारे ऊपर क्या था, एक औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था। ये कॉलोनियल रूल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम, एक सिस्टम होता है बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच का एक ऐसा सिस्टम होता है अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर, जिसमें एक कंट्री तो क्या होती है, रूलर होती है, एंड अदर बीइंग द कॉलोनी, और दूसरी जो कंट्री होती है वो एक कॉलोनी होती है, यानी एक कॉलोनी के अंदर दूसरी कंट्री आकर के अपना रूल करती है वहां पर। एंड रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। जो रूलिंग कंट्री होती है वो उस कॉलोनी के अंदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से वहां पर रूल चलाती है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि टू कंट्रीज के बीच में एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें एक कंट्री तो रूलर होती है और दूसरी कंट्री में जाकर के वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को वहां पे फॉलो अप करवाती है। तो हमारे यहाँ पर भी यही हुआ था, ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पर चलाई थी। तो उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है, इस पर भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब हमारी यहाँ पर हमारे ब्रिटिश आए थे और उससे उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी, यानी ब्रिटिश यहाँ पर आए और उसके बाद हमारी इकोनॉमी में क्या स्थिति रही, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब है जिसके अंदर कोई मोशन नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होता। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी विच इज द स्टक और वेरी स्लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि ये किसको रेफर करती है? ये रेफर करती है टू द इकोनॉमी विच इज स्टक और वेरी स्लो, जो रुकी हुई है या बहुत धीमे गति से वो आगे डेवलपमेंट कर रही है, और इतना धीमा डेवलपमेंट है जिसको कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अपने डेवलपमेंट के पाथ पर बहुत धीमे या स्टक तरीके से आगे बढ़ती है। ओके, बिफोर कॉलोनियल पीरियड, जबकि अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, उससे पहले हमारी जो स्थिति थी वो क्या थी? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर फोर पॉइंट्स। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो हमारा मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, यानी ज्यादातर लोग जो थे वो किस पर डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। अबाउट 85% पर्सन आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। ओके, तो हमारी जो पॉपुलेशन थी, इट इज 85% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओनली दोज क्रॉप्स वर ग्रोन दैट आर यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। केवल उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था जो हमारे कंजम्पशन के लिए काम में आती थी। हम कोई बिजनेस नहीं करते थे, न ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन करते थे, हम ये नहीं जानते थे, हम केवल अपने ही कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन करते थे, और या फिर हम किसी से कोई चीज लेते थे तो उसके बदले में अपना जो प्रोडक्शन था वो उसको दे देते थे, यानी कि ये ट्रांसफर हम कर लेते थे। केवल जैसे मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने हमें कोई और चीज बना करके दी तो उससे हमने ले ली, मान लीजिए मुड़ियां बना करके दी, या कोई हथियार बना करके दिए, या कोई काटने के कोई छुरी कांटा बना करके दिया, तो वो हमने लिया, अब उसके बदले में कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा, तो हम उसको अपना जो क्रॉप था, जो भी हमने ग्रो किया था, वो हम उसको दे दिया करते थे। तो केवल ट्रांजेक्शन के लिए भी ये प्रोडक्शन किया जाता था, बाकी ऐसा कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। एंड थर्ड पॉइंट इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी जो कंट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट
जो इंडस्ट्री के नाम से बहुत फेमस थी, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता था और उसको सप्लाई भी किया जाता था अदर कंट्रीज के अंदर। जैसे कि बहुत महीन मलमल जिसको कि एक अंगूठी में से पूरा का पूरा थान निकाला जा सकता था और बहुत ही सुंदर नक्काशी के सामान ये यहाँ से भेजे जाते, जड़ाऊ कीमती जेवरात यहाँ से, प्रीशियस जो ज्वेलरी थी वो यहाँ से बेची जाती थी। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनका की प्रोडक्शन, जिनका हम हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के जो चीजें थी वो यहाँ पर तैयार होती थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इस तरह का प्रोडक्शन नहीं होता था। एंड फोर्थ पॉइंट इज एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। हमारा जो ट्रेड था वो पूरे एशिया और यूरोप के अंदर फैला हुआ था, बहुत ज्यादा विस्तार हमारे ट्रेड का था और हम बहुत इंजॉय उसको करते थे। कोई बॉदरेशन हमारे नहीं थी, किसी तरह का कोई टेंशन हमारे नहीं थी, सभी लोग बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क किया करते थे। तो ये था हमारा बिफोर कॉलोनियल पीरियड, या इसको हम प्री कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी वो किस तरह की थी, तो आप ये पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। Thank you and have a nice day.